अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद वैस सादिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 को क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 तक सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन 5 के पार्ट 2 से कंटिन्यू करेंगे। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। आज हम इसका पार्ट 2 जो कि है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको वेरीफाई करेंगे बाय यूजिंग दीज मैट्रिसेस ए, बी एंड सी। तो इसको करते हैं अभी। तो ये है हमारे पास a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a प्लस बी इंटू सी। अब यहाँ पे a, b एंड c जो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, उनको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट आ जाएगी हमारे पास। मैट्रिक्स a है आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा प्लस मैट्रिक्स बी जो कि है माइनस आयोटा 1 2 आयोटा आयोटा, ब्रैकेट क्लोज। एंड यहां पे मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स सी विच इज 2 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा। अब सबसे पहले हम ए एंड बी जो मैट्रिक्स लिखी है एंड बी की, इनको ऐड करेंगे। तो एडिशन में हमारे पास क्या होता है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। तो ये आ जाएगा आयोटा प्लस माइनस आयोटा 2 आयोटा प्लस 1 1 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा। और ये वाली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, मैट्रिक्स सी है 2 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा। अब यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 1 प्लस इंटू माइनस आयोटा प्लस माइनस इज माइनस, तो ये 1 माइनस आयोटा, तो ये हमारे पास आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0। 2 आयोटा प्लस 1 एज इट इज आ गया। यहाँ पे अगेन 1 प्लस 2 आयोटा एज इट इज आ गया। एंड यहाँ पे है माइनस आयोटा प्लस आयोटा विच इज 0 इंटू 2 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम जानते हैं कैसे करते हैं, हम ये बहुत दफा पढ़ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 1 इंटू माइनस आयोटा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम 0 इंटू माइनस 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 1 इंटू आयोटा। अब होगा सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा प्लस 0 इंटू माइनस आयोटा। अब होगा सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा इंटू माइनस 1 प्लस 0 इंटू आयोटा। यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे, 0 इंटू 2 आयोटा इज 0 प्लस 2 आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज माइनस 2 आयोटा स्क्वेयर, 1 इंटू माइनस आयोटा इज माइनस आयोटा, 0 इंटू माइनस 1 इज 0 प्लस 2 आयोटा इंटू आयोटा इज 2 आयोटा स्क्वेयर प्लस 1 इंटू आयोटा इज आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 1 इंटू 2 आयोटा इज 2 आयोटा, 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा इज 4 आयोटा स्क्वेयर, 0 इंटू माइनस आयोटा इज 0। नेक्स्ट है 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1, माइनस 1 इंटू 2 आयोटा इज माइनस 2 आयोटा प्लस 0 इंटू आयोटा इज 0। अब यहाँ पे थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करेंगे इनको, और आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, माइनस 1 के। ये हम पिछले लेक्चर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये आ जाएगा
आयोटा स्क्वायर की जगह जब यहाँ पे माइनस वन पुट करेंगे, माइनस वन इंटू माइनस टू इज टू माइनस आयोटा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन पुट करेंगे, माइनस वन इंटू टू इज माइनस टू प्लस आयोटा, यहाँ पे टू आयोटा आ जाएगा प्लस, अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह जब माइनस वन पुट करेंगे, माइनस वन इंटू फोर इज माइनस फोर, और यहाँ पे माइनस वन माइनस टू आयोटा आ जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ए प्लस बी इंटू सी को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गई, इसको नेम दे देते हैं वन का। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है हमारे पास ए सी प्लस बी सी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मैट्रिक्स ए है हमारे पास आयोटा टू आयोटा वन माइनस आयोटा इंटू मैट्रिक्स सी विच इज टू आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा आयोटा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा मैट्रिक्स बी विच इज माइनस आयोटा वन टू आयोटा आयोटा इंटू सी जो कि है टू आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा एंड आयोटा। अब यहाँ पे ए एंड सी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, आयोटा इंटू टू आयोटा प्लस टू आयोटा इंटू माइनस आयोटा। अब क्या होगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा आयोटा इंटू माइनस वन प्लस टू आयोटा इंटू आयोटा। नाउ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, वन इंटू टू आयोटा प्लस माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा वन इंटू माइनस वन प्लस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा इंटू टू आयोटा प्लस वन इंटू माइनस आयोटा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, माइनस आयोटा इंटू माइनस वन प्लस वन इंटू आयोटा। नेक्स्ट क्या होगा, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा टू आयोटा इंटू टू आयोटा प्लस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, नाउ सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा टू आयोटा इंटू माइनस वन प्लस आयोटा इंटू आयोटा। अब यहाँ पे दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं एंड देन ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आयोटा इंटू टू आयोटा इज टू आयोटा स्क्वायर, टू आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज माइनस टू आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू माइनस वन इज माइनस आयोटा, टू आयोटा इंटू आयोटा इज टू आयोटा स्क्वायर, वन इंटू टू आयोटा इज टू आयोटा, माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, वन इंटू माइनस वन माइनस वन, माइनस आयोटा इंटू आयोटा इज माइनस आयोटा स्क्वायर, प्लस माइनस आयोटा इंटू टू आयोटा इज माइनस टू आयोटा स्क्वायर, वन इंटू माइनस आयोटा इज माइनस आयोटा, माइनस आयोटा इंटू माइनस वन इज आयोटा प्लस वन इंटू आयोटा इज आयोटा, टू आयोटा इंटू टू आयोटा इज फोर आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज माइनस आयोटा स्क्वायर, टू आयोटा इंटू माइनस वन इज माइनस टू आयोटा एंड आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह जब यहाँ पे माइनस वन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू, एंड यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस टू,
यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा, यहाँ पे जब आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन इंटू टू इज माइनस टू, यहाँ पे आ जाएगा टू आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा माइनस वन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन, आयोटा स्क्वायर की जगह जब यहाँ माइनस वन पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस अगेन यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह जब माइनस वन पुट करेंगे माइनस वन इंटू माइनस टू इज टू माइनस आयोटा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा इज टू आयोटा, फोर आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इज थ्री आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर की जगह जब माइनस वन पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री, यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा माइनस वन। तो स्कोर सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस टू प्लस टू इज जीरो, माइनस आयोटा माइनस टू, टू आयोटा माइनस वन, माइनस वन प्लस वन इज जीरो, प्लस टू माइनस आयोटा टू आयोटा माइनस थ्री, माइनस टू आयोटा माइनस वन। अब यहां पे दोनों मैट्रिसेस ऐड हो रही हैं तो इनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स हमारे पास ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा जीरो प्लस टू माइनस आयोटा, माइनस आयोटा माइनस टू प्लस टू आयोटा, टू आयोटा माइनस वन माइनस थ्री, यहाँ पे आ जाएगा जीरो माइनस टू आयोटा माइनस वन। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा टू माइनस आयोटा, यहाँ पे माइनस आयोटा प्लस टू आयोटा हमारे पास क्या होता है आयोटा माइनस टू, यहाँ पे आ जाएगा टू आयोटा माइनस वन माइनस थ्री इज माइनस फोर एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू आयोटा माइनस वन। तो ये आ गया हमारे पास ए सी प्लस बी सी, इसको नेम देते हैं टू का। अब वन को एक दफा देखते हैं, ये थी हमारे पास मैट्रिक्स नंबर वन जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई थी, और यहाँ पे क्लियरली देखा जा सकता है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर सेम। तो यहां पे लिखते हैं फ्रॉम वन एंड टू वी फॉलो दैट ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी और ये हमने वेरीफाई कर दी यहाँ। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड नेक्स्ट है ए माइनस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड थर्ड है हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये वाले फॉर्मूलाज जो तीन हमारे पास लिखे हैं ये हम पिछली क्लासेस में देखते आ रहे हैं, ये रियल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई होते हैं लेकिन मैट्रिसेस के केस में ये हमारे पास सेटिस्फाई नहीं होते। यहाँ पे जिस तरह पहला पार्ट है हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब मैट्रिसेस के केस में ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं होते। अब इनको वन बाय वन हम प्रूफ करते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है वो है हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम सॉल्यूशन इसका लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे ए एंड बी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की। सबसे पहले अब यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर को लिख लेते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे जो स्क्वायर था हमारे पास इसको हमने दो दफा लिख लिया। अब क्या करेंगे
मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, a इंटू ए इज ए स्क्वायर, ए इंटू बी इज ए बी, एंड देन बी इंटू ए इज बी ए, एंड बी इंटू बी इज बी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज जो हमने फोकस करनी है वो ये है कि ये दोनों ए बी एंड बी ए ऐड नहीं हो सकते, बिकॉज मैट्रिसेस के केस में कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होल्ड नहीं करती। अब हमारे पास कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, लेकिन मैट्रिसेस के केस में ये इक्वल नहीं होते, तो हमारे पास ए बी एंड बी ए एड नहीं हो सकते। तो यहाँ पे लिखते हैं दिस is not equal to a square plus a b plus a b plus b square। अब मैं यहाँ पे b a को a b नहीं लिख सकता because b a is not equal to a b, तो ये हमारे पास equality नहीं होगी यहाँ पे because ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए कॉमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता। अगर ये हमारे पास बी ए को ए बी नहीं लिख सकते तो ये दोनों ऐड भी नहीं होंगे, इस वजह से यहाँ पे क्या है इनक्वालिटी आ चुकी है। तो ये हम इसको लिख देंगे ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वेयर। इसी तरह सेकंड पार्ट को भी हम प्रूफ करेंगे। सेकंड पार्ट है ए माइनस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं विच इज ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म को दो दफा लिख लेते हैं, दरमियान में मल्टीप्लीकेशन है इनके। अब यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इंटू ए इज ए स्क्वेयर, ए इंटू बी इज ए बी, तो यहां पे माइनस ए बी आ जाएगा, एंड देन बी इंटू ए इज बी ए, माइनस बी ए आ गया, एंड देन बी इंटू बी इज बी स्क्वेयर, एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस। अब यहां पे अगेन हम कह सकते हैं कि ये दोनों ऐड नहीं हो सकते बिकॉज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब ये हमारे पास यहां पे क्या आ गई, इनक्वालिटी आ गई बिकॉज ये दोनों हमारे पास इक्वल नहीं है। यहां पे लिख देते हैं माइनस ए बी माइनस बी ए इज नॉट इक्वल टू माइनस टू ए बी, सो ए माइनस बी होल स्क्वेयर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर। जो थर्ड पार्ट है वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यहाँ पे अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे जो कि है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू ए इज ए स्क्वेयर, a इंटू बी इज ए बी, b into a is b a and b into b is b square। अब ये दोनों टर्म्स यहाँ पे कैंसल आउट नहीं हो सकती, कैंसल आउट टर्म्स तभी होती हैं जब हमारे पास दोनों टर्म्स के साथ डिफरेंट साइंस हो और टर्म्स दोनों सेम हो, तो यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं हैं बिकॉज इन केस ऑफ मैट्रिसेस कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन डज नॉट
होल्ड ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी डालेंगे, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वेयर। अब ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास इक्वल नहीं है बिकॉज इन मैट्रिसेस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, सो माइनस ए बी प्लस बी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहां पे आ जाएगा दस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये भी यहाँ पे हमारे पास प्रूव हो चुका है दैट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। स्टूडेंट्स, आपने देखा आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट था उसको सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 3.2 का। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।